हिटलर पे आने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको हिटलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड, हिटलर कहाँ से आया, कैसे आया। हिटलर जर्मनी का नहीं था, ठीक है, हिटलर ओरिजिनली जर्मनी का नहीं था। तो कोई बताएगा हिटलर कहाँ से आया था या किस देश का वो नागरिक था? नहीं, ऑस्ट्रिया। कहाँ का था वो? ऑस्ट्रिया का नागरिक था। और हिटलर एक पेंटर था। कौन था? पेंटर था, जो अपनी पेंटिंग्स बेच के गुजारा करता था, ठीक है। 19-20 साल का था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने को था, तो इसने भी सोचा कि अपने देश की आर्मी ज्वाइन की जाए, ऑस्ट्रिया की आर्मी। ये वहाँ गया लेकिन ये फेल हो गया। ये मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था उसे, ये फेल हो गया। ये बंदूक को प्रॉपर रख के फायर नहीं कर पाया, बंदूक हिल गया, तो वहाँ से भगा दिया गया इसको। तो जाना तो था इसको आर्मी में, अब ये पता कर रहा था कि और कौन सी आर्मी में जा सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक था और जर्मनी का सपोर्टिव था, है ना। तो इसने देखा कि जर्मनी एक ऐसी सेना बना रहा है उस समय जिसमें सबको भर्ती कर रहा है, क्योंकि जर्मनी एक बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता था, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, और इसके लिए वो सबको भर्ती कर रहा था बिना टेस्ट के। हिटलर को मिल गया मौका, हिटलर तुरंत जाके जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने जर्मनी के तरफ से लड़ाई की, उसमें घायल भी हुआ, बहुत चोटें लगी इसको, एसिड अटैक हुआ इसके ऊपर, एसिड अटैक में भी ये घायल हो गया था। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा दुख हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक्सेप्ट किया। तब से हिटलर के मन में था कि जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ है और जर्मनी के लोगों को इंसाफ दिलाना, और उसने ठान लिया था कि जर्मनी के लोगों को मैं ही इंसाफ दिलाऊंगा। ये निकलने के बाद वहाँ से ये इसने लोगों को अप्रोच किया, छोटे छोटे क्लब्स में जाना शुरू किया इसने, क्लब्स में जहाँ थोड़े थोड़े लोगों का जमावड़ा होता था वहाँ इसने लोगों से बात करनी शुरू करी, लोगों को बताना शुरू किया कि हम एक साथ रह के मिल के इनको सबक सिखा सकते हैं, इनको मीन्स इंग्लैंड को, फ्रांस को, ठीक है। चिढ़ था इसको उनके खिलाफ, तो ये इसने लोगों को भड़काना शुरू किया। इसका ये बहुत अच्छा स्पीकर था, लोगों को इसकी बात बहुत अच्छी लगने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, 10 से 20, 20 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से 1,00,000। हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और बढ़ती ही चली गई, और इसने एक पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी जब इतनी पावरफुल हो गई कि चुनाव में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इसको टक्कर दे सकती थी, सबसे पहले इसने जर्मनी के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भ्रष्ट और करप्टेड बता के गिरा दिया। क्या किया? गिरा दिया, और अपने आप को चांसलर या फ्यूरर घोषित किया और कहा कि जर्मनी को उसका ओरिजिनल प्लेस दुनिया में मैं दिलाऊंगा। उसने जर्मन लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी कि जर्मन रेस पूरी दुनिया में बेस्ट रेस है और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब देखो, जर्मन लोग तो ऐसा ही मसीहा ढूंढ रहे थे, यही मसीहा तो चाहिए था उनको जो उनके आत्मसम्मान को लौटा दे। उनको मिल गया, केवल आत्मसम्मान को नहीं वापस किया, ये तो उनमें एक घमंड भी डाल दिया, एक गुरूर भी डाल दिया कि तुम दुनिया को रूल करने के लायक हो। इसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को मानने से इनकार कर दिया। इसने आर्मी भी बनाई, बड़ी आर्मी, एयरफोर्स भी बनाया, नेवी भी बनाई, हथियार भी बनाए खूब सारे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को तोड़ डाला, कोई सम्मान नहीं किया, बोला धज्जियाँ उड़ा दो इसकी, नहीं मानना हमको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जर्मनी के लोग इसको अपना भगवान मानने लगे, क्यों? क्योंकि उनको यही चाहिए था जो वो कर रहा था। और इसके बाद जो हुआ, दुनिया इसकी गवाह है, लेकिन हम बात करेंगे इसको अगले क्लास में, अगले क्लास में हम देखेंगे
कि वॉर शुरू कैसे हुआ, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने बारूद के पहाड़ में आग लगा दी और ऐसा धमाका हुआ कि दुनिया दहल गई, और सिर्फ दहली नहीं, ऐसी दहली कि उसकी दहल आज तक महसूस की जा सकती है। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।